हेलो, फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं लंदन में। वापस 6 मंथ्स के बाद, मतलब बेसिकली हर 6 महीने मुझे एक बार लंदन बुलाया जाता है किसी ना किसी कंपनी के द्वारा। पिछले साल मई के महीने में मैं आया था लंदन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के देखने के लिए, और वो था ओप्पो के लिए। उसके बाद आई थिंक दिसंबर 1st या 2nd वीक में मैं आया था ऑनर के एक स्मार्टफोन के लॉन्च के लिए, जो आई थिंक ऑनर 8 प्रो था या कुछ एक स्मार्टफोन था, मुझे अभी ध्यान भी नहीं, इतने सारे लॉन्चेस होते हैं। और अब वापस फिर 6 महीने के बाद अभी आ गया हूँ मैं यहाँ पर 2 लॉन्चेस के लिए। फर्स्ट वन इज ऑनर 10 और उसके बाद हो रहा है 1+6। हालांकि अभी मुश्किल है मेरे लिए 1+6 के लॉन्च अटेंड करने के लिए, लेकिन हो सकता है मैं मुंबई ट्रैवल कर लूँ या फिर वो भी स्किप कर सकता हूँ, पता नहीं, स्टे ट्यून्ड रहिए। हालांकि मेरे सारे ट्रैवल अपडेट्स आप फॉलो करते हो मुझे अगर इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपको मिलते रहेंगे इंस्टाग्राम स्टोरीज के द्वारा। बट चलिए मैं आपको एक क्विक रूम टूर दिखा देता हूँ। हालांकि अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बहुत ही छोटा सा रूम है, फिर भी सेल्फ सफिशियंट है मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर है बेड और एक रीडिंग डेस्क या फिर कंप्यूटर डेस्क आपको दे दिया गया है। वो बेसिकली बहुत ही बढ़िया तरीका काम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो अच्छा लगा वो था ये पावर स्टेशन। बेसिकली सारे पोर्ट्स और ऑप्शंस दे दिए हैं, और आई थिंक दिस वुड बी माई डेस्क फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एटलीस्ट। मतलब 3 दिन के लिए मैं यहीं पर इसी रूम में रहने वाला हूँ, और बेसिकली दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ा सा लंदन, अगर मुझे चांस मिला यहाँ वहाँ कहीं घूमने का काम के अलावा, क्योंकि बहुत सारा काम है, काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं। इनफैक्ट मेरे बैग के अंदर मैं अभी 4 नए स्मार्टफोन के बॉक्सेस लेके आया हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे ट्रैवलिंग करनी है अलग अलग जगहों पर। तो स्टे ट्यून्ड रहिए और मैं आपको अपडेट करता हूँ क्या चल रहा है लंदन में। हालांकि अगर मैं वेदर की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यह है एक टिपिकल लंदन होटल का व्यू, और आपको कुछ इस तरह से व्यू मिल जाता है काफी साइलेंस है। लेकिन अभी अभी बारिश गिरी है, मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया एयरपोर्ट से यहाँ आते आते, और बेसिकली वेदर काफी अच्छा है, काफी अच्छा नहीं, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट वेदर, कंसिडरिंग कि हैदराबाद में इतनी गर्मी थी कि मतलब हम लोग बिना एसी के रह नहीं सकते हैं 24 घंटे, और यहाँ पर बिना जैकेट के हम रह नहीं पाएंगे क्योंकि काफी ठंडा है और बारिश भी गिर रही है। ओ बाय द वे दोस्तों, अभी आपने अगर देखा मैंने काफ़ी सारा सामान मेरे बैग में से निकाला है, तो आप मुझे एक बार नीचे कमेंट में बता सकते हैं डू यू वॉन्ट टू सी अ वीडियो ऑन व्हाट्स इन माई बैग एडिशन, क्योंकि आई ट्रैवल विद अ लॉट ऑफ स्टफ, अगेन नॉट एवरीथिंग विच सब लोग लेके जाते हैं, जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रैवल के हिसाब से वो मैं लेके चलता हूँ। तो अगर आप सोचते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है उस वीडियो में, तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। अगर इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक्स भी आती हैं तो प्रॉब्ली आई प्लान दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। द टाइम इज 8 PM अराउंड इन लंदन और मुझे लगी है भूख। तो बेसिकली लेट्स चेक आउट व्हाट्स इन द रेस्टोरेंट मेनू, आई मीन दिस इज नॉट द मेनू, ये रहा प्रॉब्ली इसके अंदर होगा, ओके ये रहा इन रूम डाइनिंग का मेन्यू। लेट्स सी इफ देयर इज समथिंग विच इज एटलीस्ट वेजिटेरियन, क्योंकि भाई नॉन वेज तो चलता नहीं है। और ये है सारे डिशेस जो यहाँ पर अवेलेबल है, क्रैब केक, लॉबस्टर, ओके सूप एंड सलाद, बीफ बर्गर, यार बर्गर का नाम ले लिया लेकिन बीफ बर्गर है, एंड देयर इज ऑल बंच ऑफ ड्रिंक्स, शैम्पेन, रेड वाइन, ब्लू वाइन, ग्रे वाइन, वॉट एवर, टेकीला, यार ये सब मेरे काम का नहीं है, सो आई थिंक आई हैव टू फिगर आउट सम अदर ऑप्शन। ओके गूगल, शो मी सम इंडियन रेस्टोरेंट्स नियर बाई।
exciting and drafting way. बारिश गिर रही है, कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे रेस्टोरेंट मिल जाए और सुनने में आया कि मेरे होटल के बिल्कुल पीछे की तरफ ही है ये रेस्टोरेंट. सो लेट्स टेक अ क्विक रन रादर देन वॉकिंग और मे बी लेट्स गो फॉर अ स्पीड वॉक. शाम के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पर है स्टारबक्स, विच इज गुड. बेसिकली काफ़ी सारे ऑप्शंस है यहीं पर, लेकिन हमें जो चाहिए वो है आगरा रेस्टोरेंट एंड दैट्स बिकॉज आई वांट टू हैव समथिंग इंडियन क्यूजिन. क्योंकि दिन में तो मतलब बाहर घूमेंगे तब वी माइट हैव ऑल द अदर ऑप्शंस एनीवे, और व्हेन देयर इज एन रेस्टोरेंट विच इज जस्ट 100 meters अवे और मे बी 200 meters अवे, व्हाई शुडंट आई गो देयर. So, we are almost behind my restaurant, I mean my hotel where I'm staying, and I just hope there is this hotel somewhere here. Okay, that's Agra. मुझे यहाँ से दिख रहा है. So basically, let's quickly run and hopefully reach there. So, that's where I'm staying. That block, और ये है आगरा रेस्टोरेंट जहाँ पर लिखा हुआ तंदूरी चिकन एंड शीक कबाब. हालांकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, एटलीस्ट डिसेंट वेज ऑप्शन मिल जाएंगे. The restaurant is open, so let's order some food. Basically, कुछ वेज ऑप्शंस तो मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली सम इंटरेस्टिंग करीज. So let's order something very simple. दोस्तों बज रहे हैं 10. Had a simple, very simple dinner. In fact, आप लोगों ने पिक्चर देखा ही होगा. Simple पनीर की सब्जी थी, कुकुम्बर रायता एंड रोटी. आई मीन आई वॉन्ट वेन आई ट्रैवल, बेसिकली एक सिंपल टिप आप लोगों के लिए भी, जब भी आप ट्रैवल करते हो तो कोशिश कीजिए कि जितना हल्का फुल्का खा सके, जितना लेस स्पाइसी. डोंट रिस्क योर सेल्फ स्पेशली विथ योर टमी. कहीं आप बीमार पड़ गए, कहीं काम से गए हो तो मतलब ज़्यादा पंगा हो जाता है. अगर आप हॉलीडे पे गए हो तो ठीक है, चल जाता है, थोड़ा सा आराम कर लो सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत भागना पड़ता है. सो बेसिकली दैट इज़ द रीज़न आई फोकस ऑन हैविंग वेरी सिंपल फूड ऑप्शंस. बट एनीवे गाइस, चलो टाइम टू वॉक बैक टू माय रूम एंड गेट बैक टू सम वर्क, बिकॉज अगले 2 दिन बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है. कोशिश करूँगा मैं 1 दिन टाइम निकाल दूँ. टुमारो मॉर्निंग अगेन गौरव इज़ फ्लाइंग इन. ही हैज़ जस्ट मैसेज्ड, अभी कॉल भी किया था कि मैं कल सुबह पहुँच जाऊँगा. तो बेसिकली कोशिश रहेगी कि 1 दिन के लिए हम लोग लंदन का भी व्लॉग बना देंगे आप लोगों के लिए. Finally back into the room. अब जैसे मैंने आपको पहले पूछा था, आप लोग बताइए दोस्तों कौन सी जगह आप चाहते हैं कि हम लोग हमारे ब्लॉग में इंक्लूड करें. होपफुली कल या फिर परसों ये ब्लॉग शूट होगा, जिसमें probably I'll be shoot talking about the few things you could experience or explore when in London for a day or maybe a two. सो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट ब्लॉग लंदन का कंप्लीट होता है. बेसिकली ये ब्लॉग भी नहीं था, बस एक क्विक मेमोरी थी कि मैं यहाँ पर लैंड हो चुका, मैंने क्या किया पहले दिन. सो इट वुड बी मोर लाइक अ मेमोरीज, बिकॉज ब्लॉग्स जनरली आई एक्सपेक्ट टू ऐड मोर टाइम लैप्सेस एंड स्टफ, बट बिकॉज ऑफ टाइम एंड यू नो थकावट मैंने कंप्लीट नहीं किया वो सब. लेकिन लुक फॉरवर्ड टू सम इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स इन द कमिंग डेज ऑन दिस चैनल. ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक, द लाइक्स एंड stay subscribed to this channel.
That's it for now. See you in the next one. Bye-bye.